गुरुदेव कौन राक्षस मौर्य साम्राज्य के महामंत्री राक्षस इस आधी रात में आप रास्ता भूल गए क्या राजेश्वर सम्राट चंद्रगुप्त स्वस्थ और आनंद पूर्वक है ना गुरुदेव इस आधी रात में आकर मैंने आपके विश्राम में बाधा डाल दी क्षमा प्रार्थी हूं देव मगर बड़े गंभीर कारण है मेरे इस समय आने के मौर्य साम्राज्य को आपके सिवा और कोई भी नहीं बचा सकता आपके द्वारा स्थापित किए हुए इस साम्राज्य को आज ग्रहण लग रहा है गुरुदेव केवल आप ही इस ग्रहण को हटा सकते हैं गुरुदेव <laughs> बूढ़े दुर्बल कौटिल्य की शक्ति की आवश्यकता सम्राट चंद्रगुप्त के विश्वविख्यात पराक्रम को मेरे बूढ़े बल की आवश्यकता मौर्य साम्राज्य की नीति कुशल मंत्री सभा को मेरे विवेक की अपेक्षा <laughs> मैं तो वृद्ध और दुर्बल हूं राक्षस व्यंग को अधिक क्रूर मत बनाओ नगण्य से उसकी नगण्यता का सुखम तो मत छीनो चाह राक्षस इस जीवन छत के नीचे मैं तुम्हारा कुछ भी आते नहीं कर सकता यदि भी हिम्मत हो तो अपने महापराक्रमी सम्राट से कहना कि उनके राज्य में प्रजा के पास वर्षा में सिर ढकने के लिए अच्छी झोपड़ियां तक नहीं है अपराध का कठोर से कठोर दंड दीजिए गुरुदेव परंतु इस तरह मुंह मत मोड़िए मौर्य साम्राज्य सम्राट दोनों का निर्माण आपने ही तो किया है क्रोध को शांत कीजिए देव और स्नेह धारा से पोषित अपनी सृष्टि को विनाश से बचाई लीजिए भूत भविष्य वर्तमान सब मिथ्या है यही तत्व दर्शन तो सिखा रहा है ना तुम्हारा सम्राट तो जो जो हो रहा है होने दो जाओ अपने बूढ़े सम्राट से कहो कि राजमंत्र अब कौटिल्य के पास नहीं है उन साधु महात्माओं के पास है जो सम्राट का परलोक सुधारने में लगे हैं। सम्राट का परलोक सुधरे या न सुधरे पर बना बनाया लोग तो ध्वस्त होने जा रहा है गुरुदेव इन साधुओं ने सम्राट को कर्तव्य कर्म से इतना विरक्त कर दिया है कि अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता किए बिना ये अगली पूर्णिमा को सन्यास की दीक्षा लेने जा रहे हैं और फिर मौर्य साम्राज्य की बागडोर विलासी दुराचारी बिंदुसार संभालेगा और साम्राज्य बनेगी कनक रेखा <laughs> सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है महामत्य होने दो जो हो रहा है आर्य राज्य प्रजा का है चंद्रगुप्त के वैराग्य के लिए नहीं बिंदुसार के विलास के लिए भी नहीं राजा का वैराग्य राजनीति के विपरीत है राजा का भोग विलास अनाचार है राज्य में विरोध है सेना में विद्रोह है और सीमाओं पर शत्रु सेनाएं ताक लगाए बैठी साम्राज्य सम्राट सभी को ध्वस्त हो जाने दो राक्षस कौटिल्य की परिभाषा में जीने की सार्थकता उसी की है जिसके जीवन का एक एक क्षण पराक्रम में परिणत होता है निकम्मों से घृणा है और शून्यवाद को मैं पाखंड मानता हूं मैं तो कर्मवाद का पुजारी हूं सम्राट ने कर्मच्युत होकर राजधर्म का अपमान किया है मंत्रीवर नहीं ये सब असत्य है सम्राट राजधर्म से अधिक श्रेष्ठ मानव धर्म को मानते हैं अब तुम्हारी भ्रम मूलक शिक्षा के बहलावे में वे नहीं आ सकते कौटिल्य अरे <laughs> मूर्ख भिक्षु तू चंद्रगुप्त को धोखा दे सकता है इस कौटिल्य को नहीं पिछले चार वर्षों से मैं तुझे देख रहा हूं तू परिव्राजक मुनि नहीं गुप्त वेशधारी यूनानी सेनाध्यक्ष है भारत में यूनानी राज्य स्थापना कर सिकंदर का अधूरा स्वप्न तू पूरा करना चाहता है पर कौटिल्य के जीवित रहते यह कभी नहीं हो सकता तू तो यह भी नहीं जानता कि तू कौटिल्य का बंदी है <laughs> क्या मुनिराज धर्मवर्धन यूनानी सेनाध्यक्ष ये क्या सच है गुरुदेव तो क्या षडयंत्र की जड़े इतनी गहरी बैठ गई हैं? षडयंत्र षड्यंत्र राजनीति का शस्त्र है राक्षस चतुर्मंत्री षडयंत्र को अपने हाथ में लेकर केवल शत्रु का पराजय ही नहीं करता बल्कि राजा और प्रजा की प्रवृत्तियों को राजधर्म के अनुकूल बनाता है अस्तो अब तुम जाओ राक्षस कल मैं सम्राट से अंतिम विदा मांगने आऊंगा अंतिम विदा क्या देश को सदा के लिए विदेशी दास्ता में श्रृंखलाबद्ध होने के लिए नहीं राक्षस शरीर में प्राण रहने तक मैं ये नहीं होने दूंगा अच्छा आप जाओ सुख की नींद सो प्रातः तुम सम्राट के निजी कक्ष में मिलना साठ वर्ष पहले ऐसी ही काली बरसात की रात थी यही पर्णकुटी आंधी से खाप उठी थी मैं कौटिल स्वस्थ बलवान नवयुवक था पर आज आ है अकेला था परंतु मेरा यौवन मेरा अटल संकल्प उस रात एक स्वप्न से खेल रहा था यूनानी विजेता अपने मार्ग की समस्त शक्तियों को रौंदता हुआ भारत की अपार वैभव को देख गया था और वो क्या कर गया था कि भारत पर वो अपना राज्य स्थापित कर ले संसार पर एक छत्र आधिपत्य करेगा तब मेरी आत्मा विद्रोह कर उठी थी मेरी मातृभूमि के पावों में परवशता की श्रृंखला खनखन और मैं जीवित रहकर उसे देखूं और मैंने शपथ ली प्राण किया कि उस यूनानी विराट शक्ति से मैं जूझूंगा और उसके बाद एक दिन मुझे अपने स्वप्न सृष्टि को साकार करने के लिए एक उपयुक्त नायक भी मिल गया नई उम्र का और महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मैंने उसकी भावुकता को उसकी शक्ति को उसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित किया और उसके पराक्रम में प्राण फूंक दिए फिर मेरा स्वप्न चंद्रगुप्त के रूप में साकार हो गया और मेरे देश की खुशी मेरे देश की गरिमा ऐसी चमकी यूनानियों की सारी आशाएं धूल में मिल गई आज चंद्रगुप्त वृद्ध हो गया है उसके अंग शिथिल पड़ गए हैं और उसके मन की अशांति उसे वैराग्य की ओर घसीट रही है <laughs> क्योंकि वो साम्राज्य की डोर संभाल नहीं सकता ये कटु सत्य है तो क्या फिर से कौटिल्य को नया सम्राट करना पड़ेगा नहीं नहीं अब संभव नहीं तो फिर क्या मैंने निर्मित किए हुए गुप्त साम्राज्य का विध्वंस खुली आंखों से देखता रहूं? प्रणाम गुरुदेव कौन कौन कौ? चारुशीला आ? इतनी भयंकर आंधी तूफान की इस काल रात्रि में तुम यहां महारानी ने इस बूढ़े ब्राह्मण को कैसे याद किया महाराज तो ठीक है ना कहो क्या आदेश लाई हूं मेरे लिए क्या मुझे देश से निकाल देने का आदेश दिया है सम्राट ने बोलो चारुशीला मौन क्यों हो आचार्य कहिए कहते जाइए पूरी निष्ठुरता के साथ कहिए आज मौर्य परिवार को इन विशैले बाणों की ही तो जरूरत है शायद ये उसके माल्य को उसकी कर्महीनता को धो दे किंतु चारुशीला, तुम अकेली नहीं हो कोई और भी तुम्हारे साथ है कुछ देर पहले मुझे दूर से आती हुई दो घोड़ों की सुनाई दी थी। कहां है महारानी? वो नहीं आएंगी क्या सामने देव सम्राट और कुमार बिंदुसार की प्रवृत्ति देखकर राजमहेश चिंतित रहती थी पग पग पर उन्होंने उनका विरोध किया उन्हें सही रास्ता बताया पर उनके मार्गदर्शन का सम्मान होने के बजाय सदैव उनका अपमान ही किया गया और आज आज तो इतना अघटित हुआ क्या हुआ क्या हुआ चारुशीला आज कुमार की प्रेसी कनक रेखा ने महारानी को अपमानित कर दिया क्या किया कनक रेखा ने महारानी कुमार से उनके शयन कक्ष में बातचीत कर रही थी तो क्रोध से लाल कनक रेखा ने उन्हें हाथ पकड़कर विलास भवन के बाहर निकाल दिया जब महारानी ने महाराज से शिकायत की तो सम्राट को कनक रेखा को दंड देना चाहिए था ना आ? लेकिन नहीं उन्होंने शांति से 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 सब कुछ सुन लिया, और निसंग भाव से महारानी से कहा, प्रिय कल सूर्योदय के बाद राजमहिषी बनने वाली कनक रेखा क्या आज इसी क्षण से हमारे सम्मान और स्नेह की अधिकारिणी नहीं हो सकती जरा समझ बूझ से काम लो और अब राज्य और शासन का मोह त्याग दो इस ढलती उम्र में तो हमें अब परमार्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए कहती जाओ कहती जाओ चारुशीला सब कुछ विस्तार से कहती जाओ राजा के अंतपुर की कथाएं हम जैसे वनवासियों को कहां सुनने को मिलती हैं और फिर ये तो कहानी है भारत के महापराक्रमी सर्वश्रेष्ठ सम्राट चंद्रगुप्त के अंतपुर की हाँ तो फिर क्या हुआ लो मैं ही आगे की कहानी कह देता हूं गुरुदेव फिर फिर महारानी ने तलवार से आत्महत्या करने का प्रयत्न किया किंतु सम्राट ने उन्हें रोककर कहा देवी ये सारा भौतिक ऐश्वर्य ये, ये राज ये, ये दैहिक सुख सब क्षण भंगुर है क्यों चारुशीला यही कहा था ना सम्राट ने गुरुदेव गुरुदेव आपने कैसे जाना आगे सुनो तब महारानी तुम्हें लेकर यहां आ गई और दूर उस कुंज के पास रुककर तुम्हें मेरे पास भेजा hmm? क्यों ठीक है ना चारुशीला ये सब बिल्कुल ठीक है देव मगर मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये भी ठीक है कि कभी निर्माता भी निर्मम होकर अपने निर्माण को धूल में मिलते देखे क्या ये भी संभव है कि पिता अपने संतान की त्रुटियों को क्षमा न कर सके भावुक लड़की बकवास बंद करो तू नहीं जानती कि तेरे इस भावुकता के आवरण के भीतर भी मैं देख सकता हूं तू कुमार बिंदुसार से प्रेम करती है पर वो कनक रेखा से प्रेम करते हैं तेरी स्वामी भक्ति का तेरी इस भागदौड़ का यही तो रहस्य है परंतु मूल रहस्य इससे भी गूढ़ है उसे तू नहीं जानती सम्राट भी नहीं जानते पर महारानी जानती क्या उस रहस्य को आज आप मुझे बताएंगे हाँ तुम्हें तो उसे बताना ही है पर आज नहीं कल सुबह और सुनो चारुशीला तब तुम्हारी भाग्य विधि का उद्घाटन होगा या तो तुम राजमहिषी बनोगी या, या अपने भाग्य को कोसती रहूंगी है ना हाँ कल सुबह भविष्य का रहस्य तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा साहस से उसका स्वागत करोगी तो वर्षों से संजोई हुई तुम्हारी अभिलाषाएं खिल उठेंगी मौर्य वंश की प्रतिष्ठा के लिए उसकी गरिमा अक्षुण रखने के लिए मैं अपने प्राणों की भी बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव ये याद रखो कि विष्णुगुप्त कौटिल्य की राजनीति सत्य पर आधारित है नहीं बुलवाता है। हाँ, किंतु दुर्बलता से नहीं कर सकता क्योंकि वो सत्य को अपने प्रखर तेज में चमकते देखने का आदि है सच कहते हैं गुरुदेव पर यह ना भूलना कि बुझी हुई अग्नि की तरह सत्य को भी हवा देकर जलाना पड़ता है यह भी याद रखो कि कौटिल्य किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं करता शायद आज वो तुम्हारे भीतर कहीं मगध की राजमहिषी को देख रहा है अच्छा अब तुम जाओ महारानी जी को कह दो कि मैं निश्चय ही कल सुबह सम्राट के दर्शन करने आऊंगा गुरुदेव चंद्रगुप्त प्रणाम करता है बहुत दिनों से आप इधर नहीं आए इतनी अब कृपा तो आपने मुझ पर कभी नहीं की थी क्या आप अपने चंद्रगुप्त पर क्रोधित हैं क्या आपके इस क्रोध का कोई गंभीर कारण है आज तो आपको आना ही था क्यों आज क्यों आना था मुझे मैं तो अपने निजी काम से आया हूं मगध साम्राज्य से मेरा क्या लेना और उसके महापराक्रमी सम्राट से भी मेरा क्या सरोकार सच कहते हो देव मगध साम्राज्य से तो अब भी मेरा कोई वास्ता नहीं आज ये संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा आज चंद्रगुप्त इस सम्राट के चोले को तैयार कर एक मामूली व्यक्ति रह जाएगा गुरुदेव इस चोले का बोझ असह हो गया है मैं एक क्षण भर भी इसको नहीं ढो सकता आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव इस तुम्हारी घोषणा से भी कुछ बहुत अधिक सुन चुका हूं मैं पर आज मैं सुनने नहीं कहने आया हूं मेरे आशीर्वाद मांगते हो <laughs> चंद्रगुप्त आशीर्वाद तो मैं केवल बल बलवानों को ही देता हूँ परंतु ये तुम अच्छी तरह जानते हो ये राज, ये राजधर्म सभी तो नश्वर है और इस नश्वर चीजों के प्रति मोह करना कितनी बड़ी भ्रांति है बड़ी गलानी हो रही है मुझे और मैं अपने आप को बड़ा दुर्बल महसूस कर रहा हूं पर क्या वज्र जैसे कठोर संकल्प पर अडिग रहने के वाले आचार्य कौटल्य का ये शिष्य ये चंद्रगुप्त कभी दुर्बल रह सकता नहीं नहीं कभी नहीं आज तो इस शर्णुर संसार के माया मोह के बंधनों को त्याग कर आपका यह शिष्य सत्य की खोज में निकल रहा है राजन तुम वृद्ध हो गए हो और बुढ़ापे में मन बार बार झुंझला उठता है अपने देह की दुर्बलता पर भूल से लोग इसे ही वैराग्य समझने लगते हैं यह वैराग्य नहीं अतृप्त मोह की प्रतिक्रिया है सच्ची विरक्ति तो युवावस्था की विरक्ति होती है हाँ, आओ आओ मंत्री आओ आज तुम्हारे सम्राट कुछ उदास दिखते हैं मुनिराज शांतिवर्धन को तो बुलवाओ मुनिराज शांतिवर्धन को तो मैं कभी प्राण दर्द दे चुका हूं क्या किसने आगे दी थी तुम्हें राक्षस क्या सम्राट को बूढ़ा पाकर तुमने ये साहस किया प्रतिहारी लाओ मेरी तलवार हाँ लाओ सम्राट की तलवार और राज्य में खबर कर दो कि अन्याय और अनाचार के विनाश के लिए महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त ने फिर से राज दंड धारण कर लिया है आज... मक्त का सम्राट तुम्हें आगे देता हूँ अब हट जाओ मेरे रास्ते से तुम्हारी छाया ने मुझे हमेशा ही भयभीत रखा है पर आज आज मैं तुम्हारे भय से मुक्त हो गया हूँ तुम्हारे शासन से भी मुक्त हूं मैं आज अपने मन की करूंगा समझे कौटल्या आज मैं तुम्हें दंड दूंगा मैं भी तो यही चाहता हूं सम्राट कि आप स्वयं न्याय अन्याय के भेद को समझें और अपराध के लिए राज्य के बड़े से बड़े अधिकारी को भी दंड दें का हो भाग्य है कि आपकी आंखों पर का पर्दा हट तो गया राक्षस सम्राट को सब कुछ बता दो और फिर वो जो भी दंड दें उसे स्वीकार करो मैं तैयार हूं आचार्य सुनिए सम्राट विदेशियों का षड्यंत्र सफलता की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच रहा है राज्य में वैर फूट और द्वेष का जहर फैलता जा रहा है अब समय आ गया है कि सम्राट शासन की ढीली बागडोर को फिर से संभाली झूठ बिल्कुल झूठ कह रहे राक्षस इस गलत ख्याल में मत रहो कि चंद्रगुप्त इसका अर्थ नहीं समझता मैं सब कुछ समझता हूं कौटल्य का राजधर्म आज पराजित हो गया है सावधान हो जाओ राक्षस सम्राट सम्राट अनर्थ हो गया सब कुछ नष्ट हो रहा है आचार्य रक्षा कीजिए सम्राट बचा लीजिए साम्राज्य को क्यों? बचा लीजिए क्या हुआ आचार्य के होते हुए मगध साम्राज्य का कुछ नहीं बिगड़ सकता राजकुमार बिंदुसार ने सेना का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेकर पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया है अब सम्राट उनके बंदी हैं, हम सब भी बंदी हैं। मुख्य द्वार पर धर्मवर्धन सेना का संचालन कर रहे हैं रक्षा कीजिए आचार्य रक्षा कीजिए इसीलिए तो कई महीनों बाद मैं राजप्रसाद में आया हूँ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ही तो सन्यास की कामना करने वाला ये वृद्ध विष्णुगुप्त सम्राट के पास आया है इसीलिए तो शांतिवर्धन को प्राण दंड देने की असत्य बात राक्षस से कहलवाने का पाप भी मैंने ही किया है ताकि सम्राट की आंखों पर का मोह का पर्दा हट जाए अब तो शांतिवर्धन की असलियत समझ गए ना राजन तो क्या तो क्या मुनिराज शांति नहीं जान सका आचार्य ये टूट गया है अब तो मुझे सिर्फ विष्णुगुप्त ही कहिए गुरुदेव कौटिल्य ही कहिए गुरुदेव ऐसा मत कहिए। ये सम्राट चंद्रगुप्त आपकी सुंदर कल्पना का साकार रूप मात्र है इसे क्षमा कीजिए प्रभु आचार्य आज्ञा कीजिए कि संकट का निवारण कैसे किया जाए सम्राट के अपराध को क्षमा कीजिए और शीघ्र उपाय बताइए आप खामोश क्यों हो गए गुरुदेव चारुशीला तुम कहो आचार्य से वो तुम्हारी बात बहुत मानते हैं सच कहते हो राक्षस मगध की भावी रक्षा चारुशीला ही कर सकती है मैं चाहता हूं कि चारुशीला भी इस बात को समझ ले क्या चारुशीला एक तुच्छ दासी मगज की रक्षा करेगी आचार्य क्या कह रहे हैं आप मैं समझ नहीं पा रहा हूं शांत हो जाइए गुरुदेव और अपने ही निर्माण किए हुए इस चंद्रगुप्त को समझाइए और सब कुछ बताइए मुझे चंद्रगुप्त आज एक रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा है ये कौटिल महारानी और राजकुमार के सिवा इसे दूसरा कोई नहीं जानता सुनो खूब ध्यान देकर सुनो राजन ये चारुशीला दासी नहीं बल्कि अंगराज की देश विख्यात लावण्यमती राजकन्या वसुमति है तुम्हें तो याद होगा ना सम्राट कि रूप सुंदरी वसुमती से विवाह करने के लिए देश भर के सी लगी हुई थी आचार्य हाँ अच्छी तरह याद है मुझे पर जब कई राजकुमारों ने अंगराज को वसुमती का अपहरण करने की धमकियां दी तो अंगराज विचलित हो गए मगध से तो सहायता मांग नहीं सकते थे क्योंकि मगध से हमेशा से ही उनका बैर रहा हाँ राजन मगर अंगराज ने मगध की महारानी से सहायता की याचना की तब महारानी ने मेरे कहने पर गुप्त वेश में राजकुमार बिंदुसार को अंगदेश भेजा वसुमती और राजकुमार एक दूसरे पर मुक्त हो गए और दोनों ने गांधर्व रीति से विवाह कर लिया गुप्त वेश में ही दोनों तो यहां आए धन हो गुरुदेव आपकी राजनीति की तो कोई था ही नहीं पा सकता आज से अंगदेश और मगध मैत्री के बंधन में बंध गए अभी नहीं राजन आगे भी तो सुन लीजिए हाँ तो एक साल बाद जब एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ तो राजमहिषी ने बड़ा उत्सव मनाया मगर मगध के उत्तराधिकारी का जन्म घोषित नहीं किया मगर मगर इतनी बड़ी खुशी की बात क्यों गोपनीय रखी गई आचार्य इसलिए कि मगध साम्राज्य पर यवनों और यूनानियों की लोलुप दृष्टि लगी हुई थी डर था कि कहीं देश के शासक भी उन शत्रुओं को साथ न दे दे इसीलिए सब कुछ छिपा के रखा गया अब तो इस खुशखबरी की घोषणा करवा दीजिए गुरुदेव यही तो योग्य समय है इतने अधीर मत बनो राक्षस अभी समय नहीं आया है समय लाना होगा और वो न मैं न तुम केवल सम्राट ही कर सकेंगे आज तो ऐसा टेढ़ा समय आ गया है कि खास राजकुमार ही राज्यद्रोह पर तुले हैं है। इसकी भी एक अजीब कहानी है कहानी है कैसी कहानी गुरुदेव तुम्हें याद है चार साल पहले राजकुमार बिंदुसार गांधार देश गए थे हाँ खूब अच्छी तरह याद खूब अच्छी तरह याद हाँ वहां उनकी मुलाकात कनक रेखा से हुई और राजकुमार उसे मगध ले आए उसके प्रेम जाल में फंसकर कुमार ने वसुमति का त्याग किया मगर इसका आज की घटना से क्या संबंध है गुरुदेव ये कनक रेखा यूनानियों की गुप्तचर है मैंने उस पर हमेशा कड़ी नजर रखी आज उसकी ही योजना और चालबाजी से पाटलिपुत्र विद्रोहियों के हाथों में चला जा रहा है तो क्या बिंदुसार, मेरा पुत्र मगध का होने वाला सम्राट एक यूनानी गुप्तचर के हाथों में खिलौना बन गया है देखिए आचार्य मगध साम्राज्य नष्ट होने जा रहा है इस संकट से उबरने का कुछ तो रास्ता दिखाइए देव राक्षस कौटिल्य का राजतंत्र अपनी आत्मा में प्रजा सम्मत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में प्रजा स्वयं अपने अधिकार समझती है राजा तो केवल प्रतीक है असली राजा तो राज्य में निवास करने वाली प्रजा है और मैं उस शक्तिशाली प्रजा का प्रतिनिधि हूं और आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक कभी आपका अनादर नहीं कर सके हमेशा ही सम्राट आपके आदेशों का पालन करते रहे हाँ राक्षस मैंने तो हमेशा यही स्वप्न देखा कि प्रजा अपने भीतर राजापन अनुभव करे और संकट समय जब राजा निर्बल साबित हो तो प्रजा अपनी रक्षा अपने आप करे सही कह रहे हैं गुरुदेव आज राजा के मार्ग भूलने पर प्रजा ने अपनी रक्षा स्वयं करने का महान कार्य अपने हाथों में लिया तनिक सोचो तो कि सेना कब तक देश की रक्षा करती रहेगी और फिर सेना भी तो विद्रोह कर सकती है मैं अभी निकम्मा नहीं हो गया हूं आचार्य मेरे बाजुओं में इस बुढ़ापे के बावजूद भी बल है चंद्रगुप्त के जीते होते हुए मगध साम्राज्य को आज नहीं आ सकती मैं खुद आज बिंदुसार को अपनी तलवार का निशाना बनाऊंगा नहीं सम्राट आपके जाने की जरूरत नहीं एक दो घंटे में ही विद्रोही आपके सामने खड़े कर दिए जाएंगे क्या मतलब है आपका बिंदुसार ने जब यह घोषणा कर दी कि महाराजा स्वर्गस्थ हो गए हैं तो महारानी स्वयं राजधुरा धारण करके प्रजा का नेतृत्व करने निकल पड़ी हैं। आदर्शों की रक्षा के लिए माता पुत्र के इस प्रणांतक युद्ध की भी जरूरत थी राजन आगे क्या हुआ गुरुदेव? <laughs> फिर जो कुछ घटित हुआ बड़ा दर्दनाक है जल्दी बताइए चुप क्यों हो गए गुरुदेव बिंदुसार की तलवार से महारानी का वध हुआ हाए, हाए, ये कैसे हुआ मेरी मगध की साम्रागी तुम जीत गई तुम जीत गई देवी तुम जीत गई सम्राट के दिल को मार्मिक आघात पहुंचे हैं गुरुदेव इनके प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव खामोश रहो राक्षस सम्राट को भोगने दो इस आघात की पीड़ा ये आत्म प्रक्षालन की पीड़ा है तुझे जाने दो चंद्रगुप्त के मन को महामंत्री राक्षस महारानी की मृत्यु पर प्रजा के प्रतिनिधि विष्णुगुप्त कौटिल्य ने चारुशीला को मौर्य शासन की स्थाई राज्य नेत्री घोषित किया है और यह जो विद्रोह हो रहा है उसका क्या गुरुदेव चारुशीला ने प्रजा का का करते हुए इस विद्रोह लगभग दमन कर दिया है देखो राक्षस चारुशीला आ गई देख रहे हो ना बिंदुसार को बंदी बना कर लाई है उसका रणचंडी जैसा रूप देखो प्रणाम करो इस मगध की कुलदेवी को आचार्य महामंत्री राक्षस मुझे खड़ा कर दो मुझे खड़ा कर दो मैं मक्तराज की स्कूल वधु को आशीर्वाद देना चाहता हूं ओ, क्या क्या मेरी शक्ति मेरी शक्ति खत्म हो रही है कितना क्षीण दुर्बल हो गया हूं मैं आज इस शुभ बेला में बूढ़ा चंद्रगुप्त अपने पुत्र वधु नहीं नहीं मौर्य साम्राज्य की इस पुण्य शक्ति का भी अभिनंदन नहीं कर सकता आचार्य आप धन्य जन्म जन्म तक चंद्रगुप्त आपकी आपकी वंदना आपकी वंदना आपकी सेवा में जीवन बिता दे तो भी तो भी आपने जो कुछ साम्राज्य के लिए किया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती आचार्य काश काश का राजमहेशी मेरी हृदय ये सुख ये गरिमा देखने के लिए जीवित होती आचार्य विद्रोहियों के लिए दंड का निर्णय कीजिए राजकुमार बिंदुसार ने राज्यद्रोह किया है मातृ हत्या की है उन्हें दंड मिलना ही चाहिए नहीं राक्षस, इतना ही नहीं बिंदुसार ने कौटिल्य की हत्या का भी षड्यंत्र किया था रात के अंतिम प्रहर में कौटिल्य की पर्णकुटी को आग लगा दी गई थी पर कौटिल्य बच गया हाँ महामंत्री मौर्य को लिखी अशोकाथा को मैंने कलंकित किया है मुझे कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए अज्ञ दीजिए सुनो बिंदुसार चंद्रगुप्त तुम होश में आ ही गए हो तुम भी सुनो और महामंत्री तुम भी ध्यान देकर सुनो और सब कुछ समझ लो क्योंकि तुम्हें ही राज्य का संचालन करना है आपका हर आदेश शिरोधार है गुरुदेव आज अंतिम बार ये कौटिल्य मगध साम्राज्य के राजकार्य में हस्तक्षेप करना चाहता है ये आपका अधिकार है आचार्य इतना मेरा सम्मान करते हो तो बिंदुसार ने किए हुए राज्यद्रोह के महाभयंकर जुर्म के बावजूद मेरे कहने पर उसे मुक्त कर दीजिए राजन क्या कहते हैं आचार्य आप कुमार को अपने जुर्म की मिलनी नहीं, ही चाहिए नहीं, नहीं सम्राट बिंदुराज को दंड देने से मौर्य कुल का दीपक ही बुझ जाएगा उसे मुक्त करने में ही जब राज्य का भला है तो यही सही राजनीति है सम्राट अब आप अपनी बची जिंदगी भजन पूजन में व्यतीत कीजिए तब आपको मन की शांति प्राप्त होगी महामंत्री राक्षस राज्य भर में घोषणा करवा दो कि आज से मगध के सम्राट बिंदुसार हैं और राजमहिषी देवी वसुमती है सम्राट चंद्रगुप्त की इस अंतिम आज्ञा की भी घोषणा कर दो कि होने वाले सम्राट बिंदुसार इस मौर्य साम्राज्य के विश्वकर्मा आचार्य कौटल्य के चरणों में बैठकर ही राज का संचालन करेंगे नहीं, नहीं सम्राट मेरा कार्य पूरा हो गया है मेरी आत्मा अब प्रपंच में उलझ कर नहीं रहना चाहती मैं इसी क्षण आपका राज्य छोड़कर हिमालय यात्रा को जा रहा हूं मुझे रोकने का प्रयत्न न करो चंद्रगुप्त जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूं सम्राट क्योंकि आज पिता मांग रहा है तुमसे चंद्र राक्षस तुमसे भी बिंदुसार वसुमती राजधर्म का पालन करना खूब फूलो फलो मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे गुरुदेव रुक जाइए गुरुदेव गुरुदेव रुक जाइए गुरुदे। रुक जाइए मौर्य कीर्ति अमर हो चंद्रगुप्त भगवान तुम्हारे शेष जीवन को परम पुनीत पथ पर अग्रसर करे